Welcome back friends. So this is the fourth part of our chapter sectors of the Indian economy. इससे पहले हम इसके तीन parts कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन parts को देखिए और फिर इस part पे आइए. तो ठीक है, शुरू करते हैं. Now हमने आपको पहले भी ये बताया कि हम economy को कई तरीके से classify कर सकते हैं, हम उसका division कई तरीके से कर लेते हैं. जैसे कि हमने शुरू में अपने इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया था जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. अब यहाँ पर हमने इकोनॉमी को या वर्किंग कंडीशंस को देखते हुए हमने यहाँ पर कुछ और क्लासिफिकेशंस ऐड किए हैं. तो एक क्लासिफिकेशन आपके सामने है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. दो तरह के सेक्टर आपको इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स. सो एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, सारे पॉइंट इसी डिफरेंस बिटवीन से क्लियर आपके हो जाने चाहिए. शुरू करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, मतलब जहां पर हर चीज सही तरीके से चलती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, सब चीज़ वहाँ फॉलो की जाती है. एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सही तरीके से चलने वाला सेक्टर जहाँ पर हर चीज़ के लिए रूल्स, नॉर्म्स, पॉलिसीज बनाई गई हैं. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है कि बस काम होना चाहिए, किसी भी तरीके से काम हो जाए, बाकी उसमें रूल्स रेगुलेशंस कुछ वहाँ पर मैटर नहीं करता है, ना कोई वो रजिस्टर्ड होता है, ना वो गवर्नमेंट उसको देखती है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ सही तरीके से काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने हिसाब से चलता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता. तो डिफरेंस देख लेते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जो भी चीज़ रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज होगी, गवर्नमेंट को उसका पता है. अनऑर्गेनाइज में कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं होता है. ठीक है, अगर आप मजदूरी करते हो तो मजदूरी कोई रजिस्टर्ड नहीं हो, जो आपके यहाँ डेली वेजर्स आते हैं मजदूरी करने या जो वेजिटेबल्स बेचने आते हैं, तो ये कोई ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका तो अपना और अनऑर्गेनाइज काम है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से ये लोग. ठीक है, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होती है, जो उसमें कंडीशंस हैं वही फॉलो होंगी गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें कोई भी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं, अपनी मर्जी से मालिक कुछ भी कह सकता है, कुछ भी करवा सकता है. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मिलेंगे. अगर आपको बोल दिया गया, जॉब देते वक्त आपको बताया गया है कि आपके ये घंटे हैं काम करने के, 9 से 5 काम करेंगे आप, तो 9 से 5 ही काम करेंगे. अगर इससे ज़्यादा काम कराएंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम का अलग से पैसा देना पड़ेगा, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते. आपसे बोलेंगे काम करके जाओ तो काम करके जाना ही पड़ेगा आज का, चाहे रात हो जाए या दिन हो जाए. रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स बने होते हैं, आपका मालिक भी आपको उन रूल्स के अलावा कोई काम करने को फोर्स नहीं कर सकता, पर यहाँ पर कोई रूल नहीं चलता है. जॉब सिक्योरिटी, आपको नोटिस दिया जाएगा जॉब, अगर आपको जॉब से निकाला जाएगा तो नोटिस और प्रॉपर रीज़न दिया जाएगा. 30 दिन का नोटिस पीरियड, 30 दिन पहले बताया जाएगा आपको कि जॉब से आपको निकाला जा रहा है प्रॉपर रीज़न के साथ. यहाँ पर आज बुलाया कल नहीं बुलाया, भैया कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते आप. कोर्ट में कब जाओगे, जब रजिस्टर्ड होगा, जब कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, है ही नहीं कुछ, तो आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड लीव्स, सिक लीव्स, पेंशन, ये सब मिल जाती हैं. यहाँ पर कुछ नहीं मिलता भैया, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बूढ़े हो गए काम कर करके, वहाँ पर उनसे इन्हें कोई भी मतलब नहीं होता. प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर सैलरी मिल जाती है, टाइम पे आ जाती है, और एक तमीज़ की सैलरी होती है, एक ठीक ठाक अमाउंट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भैया लो पेड जॉब्स होती हैं, बहुत कम पैसा मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो ये डिफरेंस पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा सेक्टर अच्छा है. सबका जवाब है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ गुड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ नॉट सो गुड. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग जाते क्यों हैं, बिकॉज अब मैं आपको बता दूं कि इसमें लोग जाते क्यों हैं. इसमें लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे लोगों को तो जॉब मिल जाती है,
अनपढ़ लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, ज़्यादा जॉब्स नहीं होती हैं, सॉरी एजुकेशन नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, जिन्हें पता नहीं है कहाँ पर क्या होता है कैसे होता है, तो वो सब लोग कहाँ घुसते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्लस कॉम्पिटिशन, भैया बहुत कॉम्पिटिशन है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिली तो पेट तो पालना है, खाना तो खाना है, बच्चे तो पालने हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जॉब कर अपना गुजारा किया जाता है, ठीक है, समझ। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्लासिफिकेशन है, और ये वाली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो तरीके से, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, वन इज पब्लिक सेक्टर एंड अदर इज प्राइवेट सेक्टर। तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो एक हमने पढ़ लिया सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, ये नेचर के ऊपर था, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर था। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ये वर्किंग कंडीशंस के ऊपर था, और अब हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, ये किसके बेस पे है, ये ओनरशिप के बेस पे है, तो हम ओनरशिप के बेस पर इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर्स चलाती है, गवर्नमेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है, ये सब हमारी आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंडर में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जितनी भी चीज़ें होंगी दैट विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन करती है इनको, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसको कोई इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है, कोई ग्रुप भी ओन कर सकता है, या फिर कोई इंटरप्राइज या कंपनी भी ओन कर सकती है। पब्लिक सेक्टर सिर्फ सरकार के पास रहेगा, प्राइवेट सेक्टर मेरे पास भी हो सकता है, मेरी कोई कंपनी हो या कोई ग्रुप हो उसकी कंपनी हो या उसका कोई काम हो, या फिर कोई इंटरप्राइज बड़ी कंपनी हो, रिलायंस उनका कोई काम हो, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस एट रीजनेबल कॉस्ट, ऑल द नेसेसरी सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट रीजनेबल कॉस्ट। ऐसा नहीं है जो चीज़ ज़रूरी है उनको कम पैसों पर देना पड़ता है सरकार को, ये सरकार का काम होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का काम सर्विस प्रोवाइड करना है, रीजनेबल कॉस्ट हो भी सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और नहीं भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर का काम होता है सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक सेक्टर का मोटिव कभी भी पैसे कमाना नहीं होता या नहीं होना चाहिए, अगर वो कमाती है तो गलत करती है, ज़्यादा कमाती है तो उसका मोटिव हमेशा होना चाहिए सोशल वेलफेयर, समाज का भला करना ही पब्लिक सेक्टर का काम है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, मोस्टली कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, मेरी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, मैं इतने बिलियन कमा लूँ, मैं इससे ऊपर पहुँच जाऊँगा, मैं रिचेस्ट पर्सन बन जाऊँ दुनिया का या कंट्री का, इन लोगों के दिमाग में रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि पब्लिक सेक्टर को हमेशा सोशल वेलफेयर की सोचना चाहिए, ये सोचती है। रेलवेज है सरकार के हाथ में है पूरा, वाटरवेज है सरकार के हाथ में है, तो ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। बाकी रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी आपकी प्राइवेट एयरलाइंस चल रही हैं, जितने भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अदर देन गवर्नमेंट है, ठीक है। विद दिस योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।